नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। न्यूज स्पेशल में हम हमेशा बात करते हैं उन खास खबरों की जो हमारे समाज के एक सकारात्मक पहलू को आपको दिखाते हैं। तो आज ऐसी एक खबर को लेकर हाजिर है हमारे खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में। दूध बेचना मना है। जी हाँ, कहते हैं दूध सबसे पवित्र चीज़ होती है, पूजा हो या कोई शुभ काम हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ दूध बेचना अभिशाप माना जाता है। जी हाँ, जिसने भी यहाँ दूध बेचने की कोशिश की उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। आगरा जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुआखेड़ा गाँव में दूध बेचना अभिशाप माना जाता है। जिसने भी यहाँ दूध बेचना चाहा है उस परिवार को किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। गांव वालों का मानना है कि दूध का कोई मोल नहीं है। गांव के लोगों का दावा है कि इस गांव में कभी भी दूध नहीं बेचा गया। इस गांव में दूध को बेचना अशुभ माना जाता है। गाँव के जिन लोगों ने चोरी छुपे दूध बेचना भी चाहा वो तबाह हो गए। वो लोग जान से भी गए और धन से भी। गांव में दूध की ज़रूरत जिस किसी को भी पड़ती है उसको मुफ्त में दूध दिया जाता है, लेकिन दूध की कीमत कोई किसी से नहीं मांगता। सदियों पहले संत ने जो सलाह इस गांव वालों को दी थी उसका पालन लोग आज तक करते आ रहे हैं। आज भी गांव के युवा इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। यही वजह है कि दूध यहाँ रिश्तों को मजबूती दे रहा है। इसे यहाँ के लोगों की आस्था कहें या रूढ़िवादिता, यहाँ के लोग इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। मतलब ये बताते हैं कि पूर्वजों की आन लगी हुई है जैसा हम सुनते आ रहे हैं। क्या क्या कहा था पूर्वजों की, आप दूध बेचेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे भी कुछ? बिल्कुल, कि जैसे कि अगर दूध का व्यापार करते हो आप तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस पशु का बिगड़े वो पशु मर सकता है, या आपका हो सकता है, बेटे बेटे को कुछ हो सकता है, मतलब परिवार में कोई ना कोई हानि होगी जरूर। कहते हैं कि अगर लोग बाहर जाके भी अगर ये दूध का काम व्यापार कहीं भी नहीं कर सकते, अगर आप इस गांव से कभी रहे हो तो आप कहीं भी चले जाओ, आपकी दो पीढ़ियां भी निकल जाएं तब भी आप दूध का काम नहीं कर सकते। ये हकीकत है, मतलब दूध बेचे बर्बाद। हमारे जो बाप दादे हैं, बाप दादे आन लगा गए हैं, जिस दिन से काम पड़ा है उस दिन से आज तक यहाँ दूध बिका नहीं है, जब बिकेगा ये है। और हमारी 11वीं 12वीं पीढ़ी चल रही है। क्या आन लगा गए हैं कि ये आन लगा गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस गांव में रह कर के दूध बेचता है तो वो फलीभूत नहीं होगा, वो बर्बाद हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, बाहर जाकर भी अगर मतलब इसकी बिजनेस करता है फिर भी बर्बाद हो जाएगा। हमारे पुरखा पंगा तो चले आ रहे हैं 3-4 पीढ़ी तक से। कहते हैं कि यहाँ से जो गांव वाले थे, यहाँ के निवासी थे, वो बाहर चले गए थे, उन्होंने दूध का कारोबार किया, उनका भी नाश हो गया। तो दूध कितना पवित्र होता है और अगर इसका व्यापार इस गांव में किया जाता है तो वो व्यक्ति जान से भी जाता है, धन से भी जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस गांव में रहते हुए, अगर वो इस गांव को भी छोड़ देता है तब भी वो दूध का व्यापार नहीं कर सकता। हमारे सहयोगी फरहान हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। हालांकि बेहद दिलचस्प खबर है फरहान। आगरा जिला मुख्यालय से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है जिसका नाम है कुआखेड़ा, लेकिन यहाँ पर दूध बेचना मना है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इसका भुगतान भी करना पड़ता है, और बल्कि उसके पूरे परिवार को इसका भुगतान करना पड़ता है। क्या है वो अभिशाप? जी सुंदर जी, आपको बताते चले कि ऐसा कहा और माना भी जाता है कि दूध पवित्र होता है, बात चाहे भगवान की पूजा की हो या फिर किसी मांगलिक कार्य की, हर जगह दूध का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम अपनी खबर के माध्यम से दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि शायद लोग अनजान हो, प्रदेश में एक ऐसी भी जगह है जहाँ दूध को बेचना अभिशाप कहें या फिर एक परंपरा कहें जिसको आज तक लोग इस गांव कुआखेड़ा के लोग निभा रहे हैं। इस जगह पर यदि किसी शक्ति थी ने अगर दूध बेचने की कोशिश भी की तो उसने इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा कौन सी जगह है? ये जगह आगरा के जिला मुख्यालय से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुआखेड़ा गाँव की है, जहाँ आज भी दूध बेचने को अभिशाप माना जाता है। कहा जाता है कि
यदि इस गांव में किसी ने भी दूध बेचने की कोशिश की तो उसके परिजन को किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। दुनिया के 7 अजूबों से एक ताजमहल है। ताजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित इस गांव के लोगों को का कहना है कि इस गांव में आज तक दूध नहीं बेचा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में दूध बेचना अशुभ माना जाता है। चोरी छिपे जिन लोगों ने दूध बेचने की गुस्ताखी की तो वह या तो बर्बाद हो गया है या धन से परेशान हो गया है। वहां कई लोग अपनी जान तक भी गंवा बैठे हैं। ग्रामीणों से जब इस बारे में हम लोगों ने बात की तो उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यदि गांव के किसी व्यक्ति ने अन्य जगह पर जाकर यदि दूध से संबंधित व्यवसाय करने की कोशिश भी की तो इसे ऐसे व्यक्ति को सापेक्ष दूध ने बर्बाद कर दिया। यदि गांव में किसी भी व्यक्ति को दूध की जरूरत पड़ती है तो वह उसे फ्री में दूध दिया जाता है, ना कि उसे बेचा जाता है। गांव के ही बाहर एक हलवाई से जब हम लाते लोगों ने बात की तो दुकान चलाने वाले शख्स ने भी बताया कि गांव में चाय की कोई भी दुकान नहीं है। इस गांव के आसपास दूध बिकता है लेकिन कुआ केड़ा गांव में यह श्राप माना जाता है कि गांव में रहने वाले लोगों ने लागों में लोग यहां पर दूध नहीं बेचते हैं। यह परंपरा 400 साल पूर्व संत ने जो सलाह गांव में कही थी वो आज तक बखूब ही निभाई जा रही है। यानी कि 400 साल पुरानी इस परंपरा को आज भी इस गांव में निभाया जा रहा है और इस गांव में एक भी चाय की दुकान नहीं है, क्योंकि अगर वो दुकान खोलेंगे तो दूध से चाय बनेगी और उसे बेचा जाएगा तो पूरे गांव को इसका भुगतान करना पड़ेगा। फिर तो गांव के व्यक्ति से जब इस बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए की तो उनके द्वारा बताया गया कि यदि कोई दूध बेचता है तो या तो बर्बाद हो जाता है या उसके पशुओं की मौत हो जाती है और थक हार कर वो इस परंपरा या यूं कहें कि इस अभ्यास को निभाना पर मजबूर हो गया है। ये हम नहीं, खुद गांव के ही ग्रामीण इस बात को कह रहे हैं। इस गांव का नाम कुआ किला है जो ताजमहल से 2 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ के गांव में पशुओं से मिलने वाले दूध को या तो छाछ और दही के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इस गांव को गांव के दूध को बेचा नहीं जाता या तो इसे मुफ्त में लोगों को दे दिया जाता है। इस गांव की अगर आबादी की बात की जाए तो गांव में करीब 6,000 से ज्यादा लोग इस गांव में निवास करते हैं। इसमें करीब 400 से ज्यादा परिवार। अच्छा, इस गांव के लोगों का व्यवसाय क्या है, ये लोग अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते हैं? क्योंकि अगर 6,000 लोग हैं, क्या सभी के यहाँ पर ये पशुधन है या फिर कुछ लोगों के यहाँ पशुधन है? और अगर किसी को जरूरत पड़ती है, जैसे दिवाली थी, दिवाली के समय पर कहा जाता है खीर बनती है घर में, दूध से बहुत सारी चीजें बनती है, मेवा मिष्ठान बनाए जाते हैं, तो उस वक्त क्या गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं? फरहान जी, बात अगर की जाए मदद की तो गांव के लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। कभी की खेती बाड़ी भी है, दूध का व्यवसाय भी इन लोगों का बहुत बड़ा, लेकिन दूध के व्यवसाय की अगर बात की जाए तो गाँव का दूध बाहर नहीं बेचा जाता। गाँव के ही बीच में जो आपस में जो लोग आगे उन्हीं के अंदर इसका सेवन किया जाता है, वही उन लोगों को दिया जाता है, जबकि बाहर नहीं गांव को बेचा जाता है। फरहान, अगर आपने बताया कि 400 साल पुरानी ये परंपरा है और यहाँ के ग्रामीणों को भी कहना है कि जिसने भी चाहे वो इस गांव में रहकर यानी कि कुआ खेड़ा गांव में रहकर दूध बेचे या फिर इस गांव को छोड़ दे और अगर बाहर जाकर वो इसका व्यवसाय करे तब भी उसका जो है ये व्यवसाय कभी फलीभूत नहीं होता है, ये कैसी अजीब सी मान्यता है? या से हम अभिशाप कहें या फिर क्या कहें? इस गांव के प्रधान राजेंद्र यादव से जब बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि ये इसको हम अभिशाप नहीं मानते, ये है एक हमारी परंपरा है कि इस दूध के जो हमारा जो व्यवसाय है इसको हम गांव के बाहर नहीं भेजेंगे। गांव का पैसा गांव में ही रहे, गांव के ही लोगों को उसको भलभूती तरीके से चलाया जाए और इसका रोजगार भी गाँव के लोगों को ही मिले। वही कुछ गाँव के पुरानी महिलाओं और बुजुर्गों से अगर बात की गई तो इस गाँव के लोगों ने कहा कि ये अभिशाप, हम लोगों ने अभिशाप माना है। गाँव के एक संत थे जो कि गाँव गाँव के बहुत बड़े भक्त थे, संतरा ग्रामीण को दूध बेचने के लिए सलाह, दूध ना बेचने की सलाह दी गई थी। फरहान आपको रोकती हूँ, फरहान रुकी, हमारे साथ ब्रज किशोर जुड़े हैं जो ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। ब्रज जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। ब्रज जी आज हम बात कर रहे हैं आप ही के गाँव कुआ खेड़ा की। इस गाँव में बड़ी अलग से मान्यता है, इस गाँव में दूध बेचना मना है, क्यों, क्या कारण है, जबकि दूध का तो आज व्यवसाय किया जाता है। इस गांव के पास एक मंदिर है जो महंत जादव बाबा जादवदास नाम से प्रसिद्ध था। बुजुर्गों का कहना है कि जब बाबा जादवदास थे तो उन्होंने गांव के उसके लिए खुशहाली के लिए ऐसा वरदान गांव को दिया था कि यहां दूध की बिक्री नहीं होगी और जो दूध होगा वो गांव में ही प्रयोग होगा। आज तक जिस किसी ने भी दूध बेचने की कोशिश की है या दूध जिसने बेचा है वो या तो बर्बाद हो गया है या गाँव छोड़ना पड़ा है, ऐसी स्थिति गाँव में बनी रही है।
ब्रज कितने सालों से ये मान्यता है, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई अभिशाप यहाँ पर दिया गया था, या फिर इस मान्यता की शुरुआत कैसे हुई थी? ब्रज आप बता पाएंगे कि इस मान्यता की शुरुआत कैसे हुई थी? ब्रज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ आपसे। हेलो जी। जी आपसे काफी पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि वो महंत ने इस गांव को ऐसा श्राप दिया था कि ये गांव का छूत जो है गांव में रहेगा, गांव की खुशहाली के लिए रहेगा, यहाँ से बिक्री नहीं होगी। ये कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ पर कोई संत थे, उन्होंने गांव वालों को सलाह दी थी कि इस गांव में दूध को ना बेचा जाए। क्या कोई घटना वहाँ पर ऐसी हुई थी, अगर पुराने बुजुर्गों ने आपको बताया, क्योंकि आप भी वहाँ पर रहते हैं, आपने अपनी आंखों से खुद देखा है, क्या वाकई इस गाँव में ना रहते हो लेकिन अगर इस गाँव को किसी ग्रामीण ने छोड़ा हो और शहर जाकर उसने अगर दूध का व्यवसाय शुरू किया हो, तो क्या तब भी उसे किसी तरह का कोई लाभ नहीं होता है, और अगर नुकसान होता है तो नुकसान क्या होता है? ब्रज जी ब्रज जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी। जी गांव से बाहर जाने के बाद जिसने भी दूध बेचा वो कभी सफल नहीं हुआ, उसके पशुओं की मौत हो गई या बर्बाद हो गया वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रज जी हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फरहान अपनी बात पूरी करें। बेहद दिलचस्प ये गांव की तस्वीर हम बता रहे हैं आज, और बेहद दिलचस्प खबर है कि जहां दूध को बेचना अभिशाप माना जाता है, चाहे व्यक्ति इस गांव में रहे या फिर इस गांव से दूध दूर हो जाए लेकिन वो उसका व्यवसाय नहीं कर सकता है। ये परंपरा की अगर बात की जाए तो ये परंपरा कहेंगे या इसको अभिशाप कहेंगे, ये तो गांव की ये परंपरा पुरानी चली जा रही है, सभी लोग इस बात को मान्यता दिया देते हैं, इस गांव में दूध है जो गांव के ही लोगों को बेचा जाएगा, बाहर नहीं बेचा जाएगा। लेकिन गांव के ही लोग कहते हैं कि हम अगर दूध बाहर बेचेंगे तो हमारे परिवार की किसी बुजुर्ग किसी परिवार की किसी व्यक्ति की इसमें मौत हो जाती है, या हमारे जानवर की मौत हो जाती है, या हमारे को पैसों की बर्बादी हो जाती है। ये एक लोगों की माइंड के अंदर जो है एक अभिशाप की बात की जाए या एक कही जाए तो क्रूरता की जो भरी हुई है कि अगर अभिशाप कहें कि बुजुर्गों की जो परंपरा चली आई है उसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं, ये एक तरीके की क्या है, बुजुर्गों का अभिशाप भी नहीं कहेंगे इस चीज़ को, कि जो आज तक लोगों के सामने व्यतीत होती है, जो घटना सामने आ जाती है, तो चीज़ को वो अभिशाप मानने लगे हैं और आज तक दूध को बाहर किसी को ना बेच कर और अब व्यवसाय नहीं करते हैं। और हैरत की बात यह है कि फरहान हमने सुना जो ग्रामीण हैं उनकी कई पीढ़ियां यहां पर बीत चुकी हैं, किसी किसी की तो शायद ये 10वीं या 11वीं पीढ़ी है, उनका कहना है कि वो आज भी इस परंपरा को मानते हैं। आधुनिक युग में इन परंपराओं को मानना कितना सही और कितना तथ्यात्मक है? इस युग की अगर बात की जाए साइंस में, अगर बात किया साइंस इस बात को नहीं मानती है कि ये परंपरा है कि इस तरीके का कोई अभिशाप या चलता है या नहीं चलता है, लेकिन सामने जब इस तरीके की घटना जब लोगों के सामने व्यतीत होती है, सामने प्रतीत होती है, या देखा जाता है कि अगर कोई इस तरीके के अभिशाप परंपरा को तोड़ता है और तोड़ने के कुछ महीने बाद या कुछ दिन बाद उसके घर में कोई अनहोनी हो जाती है, तो वो इस घटना को उसी परंपरा से तोड़कर देखता है कि शायद मैंने अपनी दूध को बाहर लोगों को बेचा है, उसके बाद मेरे घर के अंदर ये घटना हो गई है, चाहे वो जो व्यक्ति जो मरा है लंबी बीमारी के साथ चलते मरा हो या घटना के साथ मरा हो या कोई अनहोनी उसके साथ हुई हो जिसके चक्कर में उसकी मौत हुई हो, लेकिन उस लॉजिक की अगर बात की जाए तो उसकी दूध बेचने के कुछ महीने बाद या कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद अगर ये घटना सामने अगर व्यतीत होती है तो सामने लाजमी बनती है इस बात को, ये घटना को जो भी लोग हैं गांववासी उसी परंपरा को देखकर जोड़ते हैं कि शायद हो सकता है हमसे ये गलती हुई है, जो पुरानी परंपरा हमारे साथ चली आ रही है उस परंपरा को हम लोगों ने तोड़ा है, आज हमने दूध बाहर बेचा उसके बाद में हमारे फरहान जब आप गाँव पहुंचे थे तो क्या कोई किसी ने ऐसा घटनाक्रम आपको बताया किसी के परिवार में हुआ हो और उसके बाद उसने व्यवसाय को ही बंद कर दिया, कोशिश की हो इस व्यवसाय को खोलने की?
जी हाँ, जब हमने इस गांव की एक महिला से अगर बात की थी, ऑफ रिकॉर्ड हमने बात की थी, तो उन महिला ने कहा था कि मैं ऑन रिकॉर्ड बात नहीं कहूंगी। उसके बाद में उन लोगों ने हमें बात की थी, मैंने इस गांव के अपने पति से छुपकर मेरे घर में कुछ परेशानी थी, जिसको लेकर मैंने अपने गांव की अपनी भैंस का दूध गांव के बाहर जाकर किसी व्यक्ति को बेचा था और कुछ पैसा लेकर मैं घर पहुंची थी। उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से मैं इस बात की परंपरा को बखूबी आज तक निभाते चले आ रही हूँ, जिससे मेरे परिवार के किसी बच्चे को इस बात की अनहोनी ना हो और मेरे घर के अंदर ये घटना दोबारा रिपीट ना हो, जिससे कि मेरे परिवार के अंदर कोई हादसा दोबारा हो। हैरत की बात है कि आज के इस युग में भी इन परंपराओं को या फिर इस रूढ़िवादिता को यहाँ के लोग मानते हैं, मानते नहीं बल्कि उसका पालन भी यहाँ के युवा भी कर रहे हैं। फरहान, जी सुधा जी, ये जो घटना लोगों के सामने जो विपरीत होती है, जो कि रूढ़ी वाली जो प्रथा जो चली आ रही है, जो परंपरा जो लोगों बखूबी आज तक निभा रहे हैं, ये एक परंपरा नहीं कहेंगे इसको, अगर साइंस से अगर जोड़कर बात की जाए तो आज की जो जनरल नॉलेज जो है लोगों के लिए इस बात को नहीं मानती है, आजकल का युवा पीढ़ी भी इस बात को गौर नहीं देता है, लेकिन जो परंपरा बखूबी आज कई वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं लोग बाग, तो उसको निभाने के लिए मजबूर है। अगर नहीं निभाते हैं, कोई हादसा उनके सामने व्यतीत होता है, तो उस परंपरा से जोड़ के इस घटना को सोचते हैं कि शायद कि हमने इस परंपरा को छोड़ा है, इसके बाद में हमारे सामने ये घटना सामने आई है। तो इसलिए गाँववासी ही नहीं, सभी पूरे गाँव के जो 6,000 लोग हैं, गांव के जो 400 परिवार हैं, इस घटना को इस परंपरा को आज तक निभाते चले आ रहे हैं, उनका निभाना भी लाजमी है कि अगर इस घटना को नहीं निभाते हैं और उनके सामने कोई हादसा अगर हो जाता है, तो वो यही सोचते हैं कि शायद हम ये उसके बाद ही हमारे घर में ये हादसा हुआ है, आज हम पैसों से मजबूर हैं, लाचार हैं, और हमारे परिवार के अंदर भैंस मर गई या परिवार के अंदर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वो इस परंपरा को उसी घटना से छोड़कर देखते हैं कि शायद ही हमने इस परंपरा को तोड़ी है, इसलिए हमारे घर में ये परेशानी आई है, या हमारे परिवार के व्यक्ति की इसमें मौत हुई है, या हमारे जानवर की मौत हुई है। इसलिए आज तक इस गांव के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं और आज तक इस परंपरा को नहीं तोड़ते हैं। सभी लोगों के अंदर अगर बात किया तो इस तरीके का भय बैठ चुका है कि अगर हम इस परंपरा को तोड़ेंगे तो हमारा घर या तो बर्बाद हो जाएगा, या हमारे ऊपर घर परिवार में कोई हानि हो जाएगी, या कोई हो सकता है कि किसी जानवर की मौत हो जाए या परिवार के किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, इसको लेकर वो इस परंपरा को आज से निभाते चले आ रहे हैं और आज भी निभा रहे हैं। बिल्कुल। एक और फरहान, एक और हमारे साथ जुड़े हैं कुलदीप यादव जो ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी कुलदीप जी, आपके गांव में एक बेहद दिलचस्प परंपरा है, यहां पर दूध बेचना मना है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको उसका दंड भी भुगतना पड़ता है, क्या वजह है, क्या परंपरा है आपके यहाँ? देखिए, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है हमारे गाँव, ये गाँव है कुआखेड़ा उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पे दूध बेचा नहीं जाता है अपितु, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि आपस में से शेयर कर सकते हैं, वो भी बिना पैसों के, और जो कि करते भी हैं। ऐसा क्यों, ऐसी क्या वजह है? क्योंकि दूध तो आज व्यवसाय के तौर पर भी है, बड़े बड़े शहरों में देख लिया जाए, या फिर इस गांव को छोड़ के अगर और किसी गाँव की बात कर ले हम उत्तर प्रदेश की, या फिर आगरा के और भी गाँव की बात कर ले, तो वहाँ पर तो दूध को व्यवसाय किया जाता है, लेकिन इस गाँव में क्यों नहीं? देखिए, ये पुरानी परंपरा चली है काफी समय पहले से, एक हमारे गांव के पास में ही एक मंदिर हुआ करता है जो कि बाबा जादूदास बाबा का नाम से प्रसिद्ध है, तो हमारे पुरखों द्वारा बताया गया है कि यहाँ जो बाबा है उन्होंने इनकी एक आन लगा रखी है कि इस गांव में कोई भी दूध नहीं बेचेगा, जरूरत के अनुसार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं करते रहेंगे, और आगे भी इस चीज की परंपरा को हम निभाते आ रहे हैं, और प्रयास भी किया कई बार लोगों ने, जिसका कई प्रकार से क्षति लोगों को हुई है, चाहे वो धन की हो चाहे वो मन की हो, किसी भी प्रकार से हानि होती रहती है, तो इसलिए प्रयास भी कोई करता है कई साल बाहर रहने के बाद। कुलदीप जी, आप भी युवा हैं, तो क्या आप भी इस परंपरा को मानते हैं? देखिए, मानना और ना मानना हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग मानना हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि लोग दसियों साल गाँव से बाहर रहने के बावजूद भी, और लोगों ने बाहर जाके 10 साल रहने के बाद बाहर रहे, उसके बाद उन्होंने प्रयास किया, तो प्रयास करने के बाद में भी कई बार उनको बहुत प्रकार से हानि हुई, लोग खत्म हो जाते हैं, अगर भैंस जानवर होते हैं तो वो जानवर खत्म हो जाता है, या किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ हानि हो जाती है,
सफल नहीं हो पाते। आपने ऐसा कोई घटनाक्रम देखा है कि अगर किसी ने इस तरह से? जी, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा हुआ है, दो परिवार मैंने ऐसे देखे हुए जो कि आगरा से भी बाहर निकलने के बावजूद और उन्हें बाहर जाके उन्होंने हलवाई की दुकान करी और हलवाई की दुकान में उन्होंने दूध बेचना प्रारंभ किया और दूध बेचने के बाद में आज भी पूरा परिवार खत्म है। दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे पे पूरे परिवार खत्म हो गया, दो बच्चे छोटे छोटे छोड़ के चले गए। चले ऐसा भी नहीं है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि प्रयास नहीं किया, कहीं ना कहीं आस्था भी कहीं ना कहीं आज के युग में भी मायने रखती है। तो आप इसे क्या मानते हैं? आस्था मानेंगे, इसको परंपरा मानेंगे, रूढ़िवादिता मानेंगे, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप खुद युवा हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर कहीं साइंटिफिक रीजन कुछ ना कुछ तो है, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि नहीं है कुछ, अब क्या है वो नहीं, लेकिन लोग उसे आस्था के रूप में मानते हैं तो इसे लोग आस्था ही मानते हैं, क्योंकि आस्था के रूप में माना जा रहा है, पिछले कई सालों से चला रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। मैं खुद यहाँ पे निवासी हूँ कुआखेड़ा का और मैंने अपनी आंखों के सामने इस चीज को देखा है कि लोग 5-5, 10-10 साल आगरा कुआखेड़ा गाँव है उसको भी छोड़ दीजिए, आगरा को पूरा पलायन कर गए, आगरा में 10-ही साल नहीं आए, उसके बाद उन्होंने तक प्रयास किया लेकिन उसके बावजूद भी सब खत्म है, उनको तो जान की हानि, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों हस्बैंड वाइफ खत्म हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फराना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर को दिखाने के लिए। तो आज ताज नगरी के पास एक ऐसे गांव की हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां पर दूध को बेचना मना है। दरअसल दूध बहुत बेहद पवित्र चीज़ माना जाता है। जिस गांव का आज हमने जिक्र किया उस गाँव का नाम है कुआखेड़ा और इस गाँव में कोई भी व्यक्ति दूध का व्यापार नहीं कर सकता है, चाहे वह इस गाँव में हो या फिर इस गाँव को छोड़कर कहीं और या किसी और स्थान पर चला जाए, वो कोई और व्यापार कर सकता है लेकिन दूध का व्यापार वो नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो या तो उसे धन की हानि होती है या फिर उसके परिवार को ही समाप्त होना पड़ता है। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हमें यहाँ के ग्रामीणों ने खुद बताई है। तो इस गांव में दूध को बेहद पवित्र माना जाता है और दूध बेचना यहाँ पर अभिश्राप माना जाता है। न्यूज़ स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ।